आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द कंपनी। पूरा आपका मार्केट देखने का और चार्ट देखने का नजरिया अगले 15 मिनट में बदल जाएगा। और सबसे फेवरेट जो मेरा स्पीडोमीटर है उसका नाम है नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। शेयर मार्केट के बारे में आप में से हर एक आदमी ज्यादा से ज्यादा जानना चाहता है, और नहीं जानना चाहता तो जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? क्योंकि ये वो धन का कुआ है जो पूरे इंडिया की पैसों की प्यास बुझा सकता है। आपने देखी होगी वो वेब सीरीज हर्षद मेहता के ऊपर जो बनी, स्कैम 1992। दोस्तों शेयर मार्केट इज द मस्ट। दोस्तों अमेरिका में 50% लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडिया में वो परसेंटेज है सिर्फ 4%। व्हाई टू इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हमें मलकान सर ने पिछले इंटरव्यू में बताई, और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आज फिर से आपके सामने मैं इसी चैनल पे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर विशाल मलकान को। विशाल सर, हाउ आर यू डूइंग एंड वेलकम टू द चैनल वंस अगेन सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई एम थॉरली एंजॉयड डूइंग द लास्ट वीडियो, और ये वीडियो में और धमाकेदार चीजें आपके ऑडियंस को सिखाने वाले। सर्टेनली सर। दोस्तों आपको मैंने कहा था कि इसी वीडियो के दो पार्ट्स बनाएंगे। पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई टैब में उसका लिंक दिया गया है, उसे आप ध्यान से देखें, ध्यान से समझें। और आज के इस वीडियो में बहुत ही टेक्निकल चीजें हम सीखेंगे विशाल सर से, ताकि हम में से हर एक आदमी बहुत अच्छा ट्रेडर बन सके। बट दो चीजें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फैला दें अपने सभी दोस्तों के साथ। और एक और चीज मैं कहूंगा, आज के इस वीडियो में मैं कुछ भी इंटरफियर नहीं करना चाहूंगा, मैं पूरा स्टेज मलकान सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा, ताकि अगले 15 मिनट आप और मैं डिटेल में सीख सके, ढंग से सीख सके, बिना किसी इंटरप्शन के सीख सके। एंड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो या कमेंट्स हो तो नीचे जरूर टाइप करें। सो मलकान सर, ओवर टू यू। तो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि चार्ट्स क्या होते हैं, टेक्निकल क्या होता है, फंडामेंटल क्या होता है, और मैंने बहुत सिखाया था कि एकदम सिंपल कर सकते हैं ताकि एक 10 साल का बच्चा भी सीख सकता है। और जो सबसे मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जो मैं मेरे बुक में भी छपी है, उसको और डिटेल में मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप उसको आराम से अप्लाई कर सको। ये रोज के ट्रेडिंग में आप यूज कर सकते हो। आप डे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, सब में आपको काम आएगा। तो चलिए बात करते हैं जहां पे हम चार्ट की बात करेंगे, जहां पे हमने लास्ट टाइम देखा था कि ईसीजी होता है, टेक्निकल एनालिसिस इज लाइक लुकिंग एट द हार्ट ऑफ द कंपनी। हार्ट अगर ठीक है, मतलब अगर अच्छा चल रहा है ऊपर की तरफ, तो अप ट्रेंड है तो खरीदना है, और अगर डाउन ट्रेंड है तो नीचे बेचना है, राइट। तो ये हो गया ईसीजी। अब जनरली जब हम बात करते हैं मार्केट में, आपको ऐसे स्टॉक चुनने चाहिए जो ऊपर जाते हैं, राइट, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उसमें से हमको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो फास्ट ऊपर जाते हैं, फास्ट मतलब जल्दी से ऊपर जाते हैं। और उसके लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए, जैसे हमारे कार में एक स्पीडोमीटर होता है, राइट। स्पीडोमीटर से हमको पता चलता है कि ये कार अगर 120 के स्पीड पे जा रही है तो फास्ट है, अगर 60 के स्पीड पे जा रही है तो स्लो मीडियम है, और 20 के स्पीड पे जा रही है तो बहुत ही स्लो है। वैसे ही हमारे मार्केट्स में भी स्पीडोमीटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। और सबसे फेवरेट जो मेरा स्पीडोमीटर है उसका नाम है RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसी के लिए मैं जाना जाता हूँ, और मेरे YouTube चैनल पे भी कुछ 900 वीडियोस है, उसमें से 150-200 खाली RSI पे है। तो ये वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पूरा RSI का जो मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी, और बहुत ही सिंपल है, आप समझ जाओगे 15-20 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि ये स्टॉक लेना है, ये स्टॉक नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं RSI अनकन्वेंशनली, थोड़ा सा हटके है, जो ज्यादातर लोग जानते भी नहीं और सीखते भी नहीं है। ज्यादातर लोग जो बात करते हैं वो 70-30 ओवरबॉट ओवरसोल्ड की बात करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग अप्रोच लेते हैं। और चलिए मैं आपको एकदम थंब रूल दिखा दूं, अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको, अगर ये लाइक एन आहा मोमेंट, जैसे पॉपकॉर्न मोमेंट होता है, कि पूरा आपका मार्केट देखने का और चार्ट देखने का नजरिया अगले 15 मिनट में बदल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये जो RSI होता है एक स्पीडोमीटर, जो 0 से 100 ही चलता है, मतलब या तो 100 के ऊपर नहीं जाएगा, 0 के नीचे नहीं जाएगा। हमने उसको और दो डिवाइड कर दिया, 40 और 60 के बीच में। अगर 40 के नीचे है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, बेरिश है, इसको हाथ नहीं लगाना, या तो शॉर्ट करना है। अगर 40-60 के बीच में है तो वो साइडवेज है, मतलब वो रेंज बाउंड है, वहां पे कुछ पैसा नहीं बन सकता। और अगर 60 के ऊपर है तो वो बुलिश है, जहां पे आप उसको बाय करके पैसा बना सकते हो। तो ये हो गया RSI का जो मेन थंब रूल है। इसको आप, इसका चाहिए तो एक स्नैपशॉट निकालो, मैं हट जाता हूं। ये स्नैपशॉट आपको हर एक चार्ट में काम आएगा। जब भी आप कोई भी चार्ट देखो मार्केट में, कोई भी सॉफ्टवेयर पे, आप फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे investing.com, charting.com, marketview.com, ये सारे वेबसाइट्स पे आपको ये सारे चार्ट दिखने लगे। तो चलिए कुछ देखते हैं चार्ट पे कैसे दिखता है। समझो ये टाटा पावर का वीकली चार्ट है, तो ये 60 के ऊपर है तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, यहाँ पे खरीद के खड़ा रहना। अब और एक चीज बता दूं, अगर आप बिल्कुल नए हो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में, तो जो वीकली चार्ट मतलब हफ्ते का चार्ट, तो आप लिख लो यहाँ पे कि डेली चार्ट मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग,
वीकली चार्ट मतलब मीडियम टर्म ट्रेडिंग और मंथली चार्ट मतलब लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। तो अगर मैं डेली डे ट्रेडर हूं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो मैं डेली चार्ट देखूंगा, अगर मैं मीडियम टर्म ट्रेडर हूं तो मैं वीकली चार्ट देखूंगा, और लॉन्ग टर्म हूं तो मैं मंथली देखूंगा, राइट। तो ये एकदम सिंपल हो गया आपके लिए। तो ये नेक्स्ट चार्ट समझो, यहाँ पे भी देखो RSI जो है नीचे स्पीडोमीटर है, ये मार्केट चल रहा है, जैसे गाड़ी चला रहे हो और बीच में एक स्पीडोमीटर दिखता है कि क्या स्पीड से मार्केट जा रहा है। तो ये स्पीड मेरे को दिखा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पीड है, यहाँ पे आप बीच में मत आना, आप खड़े रहो, खड़े रह के यहाँ पे प्रॉफिट कर सकते हो। वैसे ही जब मार्केट साइडवेज हो जाता है, देखो ये 40-60 के बीच में है, यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, यहाँ पे आप थक जाओगे, आप वेट करें ये स्टॉक ऊपर जा रहा है मेरा क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आपके पास RSI है तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं इसमें से निकल के उसमें जा सकता हूँ। फिर से अगर जब ये बढ़ने लगे तो मैं इसमें एंटर कर सकता हूँ। लोगों का प्रॉब्लम यही है कि लेके बैठ जाते हैं, निवेश करते हैं, एंट्री समझ में आता है, एग्जिट समझ में नहीं आता है, एग्जिट में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपने ये चीज जो मैं सिखा रहा हूं, अगर आपने बराबर से समझ लिया तो आपका एग्जिट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ताकि आप बराबर से निवेश या इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हो। तो दैट इज द वीकली चार्ट। नाउ जब मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है तब आप देखोगे कि RSI 40 के नीचे चल रहा है, स्पीड नीचे की तरफ है, यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेडिंग कर सकते हो अगर आप ऑप्शन जानते हो तो, शायद हम और एक वीडियो करें ऑप्शन के बारे में यहाँ पे। तो ये हो गया डाउन ट्रेंड। अब ये तीनों को मिला के जो मेरा रेंज बनता है, ये भी एक थंब रूल है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा तो वो 40-80 RSI को फॉलो करेगा, और वेरी स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होगा, बहुत ही जबरदस्त ट्रेंड चल रहा है, जोर से ऊपर जा रहा है, तो वो 60-80 को फॉलो करेगा। मतलब ये ट्रेंड में मैं सबसे ज्यादा पैसा बनाऊंगा लॉन्ग साइड पे। अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो 60-20 होगा, और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड मतलब अगर ये रेंज में है तो इसको हाथ ही नहीं लगाना, इससे दूर रहना, बहुत जोर से गिर रहा है ये, या आप उसको शॉर्ट कर सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हो। और वो 40-60 के बीच में है तो वो मतलब साइडवेज है, उसको हाथ नहीं लगाना, वो मतलब उसमें कुछ भी उतार चढ़ाव नहीं हो रहा, आप थक जाओगे, राइट। ये हो गया, इसका भी एक स्नैपशॉट ले लो, और अगली बार कभी भी चार्ट देखो तो ये रेंज को चेक करो कि कहां पे मार्केट है, ठीक है। तो चलिए इसी बेस पे, ये तो खाली ट्रेलर हो गया, अगला स्ट्रैटेजी तो अभी आएगा, राइट, जो आपको और आसान कर देगा। तो चलिए देखते हैं मेरा जो फेवरेट स्ट्रैटेजी है, जिसका नाम है ग्रैंडफादर फादर सन, मतलब ग्रैंडफादर मंथली चार्ट, फादर वीकली चार्ट, सन डेली चार्ट, राइट। तो ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, और इसको आप देखते हैं कि मैं देखता हूं 5-स्टार ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। इस मतलब 5-स्टार ट्रेडिंग रेट स्ट्रैटेजी मतलब क्या, जैसे आजकल रेटिंग का जमाना है, सब एक दूसरे को रेट करते हैं, तो ये 5-स्टार रेटिंग क्या होता है कि जब ये जो ट्रेड है वो 5-स्टार का है, जिसमें आप 10 ट्रेड लोगे तो कम से कम 5-7 तक सही जाने का इसमें उम्मीद है, जो हमने इतना बैक टेस्टिंग इतने सालों का किया है। दूसरा है कि इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, ध्यान रखिए मैं जो क्या बता रहा हूँ, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, अगर मेरा लॉस हुआ तो 1 रुपी और प्रॉफिट हुआ तो 3 रुपीज, रिस्क रिवॉर्ड कम से कम 1:3 है। तो आप समझो कि 10 ट्रेड आपने लिए और 50% ही चला, 5 में लॉस 5 में प्रॉफिट, बट 5 में जब लॉस होता है तो 1-1 रुपए का होता है, 5 में जब प्रॉफिट होता है तो 3-3 रुपए का होता है, तो 5 रुपया लॉस, 15 रुपया प्रॉफिट, नेट 10 रुपया। ध्यान में रखो हमेशा जब आप ट्रेड करते हो, ऐसा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है जिसने कभी लॉस नहीं किया, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स इन इंडिया एज वेल एज अब्रॉड। सो आपको यही देखना है कि जहां लॉस हो वो कम हो और प्रॉफिट हो वो बड़ा हो, दैट्स कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और ऐसी स्ट्रैटेजी लेनी है जो आपके फेवर में ऑफ एटलीस्ट 50% प्लस, मतलब 10 में से 5 ट्रेड सही जा रहे, तो वो स्ट्रैटेजी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी आप देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मंथली चार्ट RSI 60 के ऊपर है, ये 40-60 है, मतलब मंथली ग्रैंडफादर की ट्रेंड एकदम स्ट्रांग है, ग्रैंडफादर एकदम स्ट्रांग ट्रेंड पे है। फिर वीकली चार्ट वो भी 60 के ऊपर है, मतलब फादर की ट्रेंड भी स्ट्रांग है, तो ये दोनों स्ट्रांग हो गए। अब जो सन है, जो डेली चार्ट है, वो नीचे की तरफ आ रहा है और 40 पे आ रहा है। अब क्या है, 40 एक लक्ष्मण रेखा है, 40 के नीचे चला गया तो बेरिश टेरिटरी में चला जाएगा, और ग्रैंडफादर फादर दोनों बुलिश टेरिटरी में है, तो वो दोनों इसको जाने नहीं देंगे यहां उसके नीचे। तो जब यहां पे आता है तब मेरा लो रिस्क ट्रेड बनता है, हाई प्रोबेबिलिटी लो रिस्क, लो रिस्क मतलब रिस्क बहुत छोटा है और प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो अगर इसको मैं चार्ट में कन्वर्ट करूं तो कैसा दिखेगा, जब RSI मंथली 60 के ऊपर, वीकली 40-60 के ऊपर और डेली 40 के ऊपर सपोर्ट लेगा, ग्रैंडफादर फादर बुलिश, सन एट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लक्ष्मण रेखा पे है, वहां से मैं उसको मैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी बोल सकता हूँ, राइट। तो अब देखो ये कंडीशंस मैंने लिख दी है, डेली नियर 40, अब क्या करना है, बाय कैसे करना है, ये पूरा मैं आपको यहां पे समझाता हूं। जब जो ये 40 पे आता है तब ये लाल कैंडल, क्योंकि नीचे की तरफ, यहां पे जब ग्रीन कैंडल दिखेगा मतलब हमको सिग्नल मिल गया कि ग्रैंडफादर फादर उसको ऊपर खींच रहे हैं, राइट। तो अपने को सिग्नल मिल गया, ये हमारा अलर्ट कैंडल हो जाएगा या सिग्नल कैंडल हो जाएगा, इसके ऊपर हमको बाय करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। एक ही कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस है और ऊपर में टारगेट
60 तक जाएगा तो 3 से 4 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता है। तो 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। अब इसमें फायदा क्या है, मैं आपको कुछ चार्ट दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये मैंने चार्ट लगाया मंथली चार्ट जो 60 के ऊपर है, उसी टाइम पे वीकली चार्ट भी 60 के ऊपर है, और इसी टाइम पीरियड में डेली चार्ट 40 पे आता है जहां पे ये मार्क किया गया। तो ये हो गया ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी, जहां पे मैं यहाँ पे खरीदता हूं, मुझे रिस्क कितना है एक ही कैंडल का, प्रॉफिट कितना है 5 कैंडल। ऐसे अगर आप चार्ट ढूंढो, आप बोलोगे ऐसे ढूंढेंगे कैसे, इतने सारे चार्ट है, स्कैनर्स होते हैं, स्क्रीनर्स होते हैं, एक बटन दबाया ये सारे चार्ट आपके आ जाएंगे। नीचे स्क्रीन में नीचे चाहिए तो लिंक भी लगा दूंगा स्कैनर्स के, या फिर यहाँ पे फ्लैश होगा chartinc.com और topstockresearch.com, ये दोनों स्कैनिंग वाले वेबसाइट्स है जहाँ पे आप बताओगे कि मुझे मंथली 60 के ऊपर चाहिए, वीकली 60 के ऊपर चाहिए, डेली 40 के नजदीक चाहिए। ऐसा एक स्कैनिंग डाल दिया तो एक बटन दबाओगे, जितने भी स्टॉक्स ये स्ट्रैटेजी में बैठते हो आपको दिख जाएंगे, फिर आप उसके चार्ट पे जाओगे, फिर उसको ट्रेड करोगे। ऑफ कोर्स इसके लिए और शायद और एक दो वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से काम में आएगा। तो वैसे और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे चलो ये 60 के ऊपर है और ये भी 60 के ऊपर है और डेली 40 पे आया। अब मेरे को क्या करना है, जब ये व्हाइट कैंडल बनेगा तब मुझे बाय करना, नीचे स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मतलब अगर ये नीचे चला गया, मतलब मैंने जो सोचा था गलत हो गया, ये 40 के नीचे चला गया तो मैं लॉस बुक कर लूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। लॉस हुआ तो मुझे खाली 10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा या सामने 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 1:5। ये स्ट्रैटेजी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, और जो मैं बता रहा था पहले वीडियो में माइंड मेथड और मनी, तो यहाँ पे मेथड मैंने समझा दिया ग्रैंडफादर फादर से, मनी मैनेजमेंट कर रहे कि स्टॉप लॉस लगा दिया कि लॉस नहीं होना चाहिए, विकेट बचा के रखो, और इसी दरमियान हमारे दिमाग को कंट्रोल में रखना है, राइट, पूरी तरह से शांत रहना है, पूरी तरह से फोकस रखना है। इधर उधर न्यूज देखोगे, चैनल देखोगे, किसी से बात करोगे तो ये सारा हिल जाएगा, इसलिए माइंड बहुत स्टेबल होना है। इसलिए हमारे प्रोग्राम्स में माइंड पे बहुत ज्यादा काम होता है और स्पिरिचुअलिटी पे ज्यादा काम होता है, और स्पिरिचुअलिटी वाला प्रोग्राम बहुत ही जल्दी आ रहा है, मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो ये और एक चार्ट लॉन्ग, यहाँ पे 60 के ऊपर, यहाँ पे 60 के ऊपर और यहाँ पे 40 पे सपोर्ट। ऐसा फेल भी हो सकता है, समझो नीचे चला गया तो लॉस कर लेंगे, राइट। सो दिस इज कॉल्ड ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी, विच इज वेरी वेरी सिंपल। फादर ग्रैंडफादर 60 के ऊपर, फादर 60 के ऊपर, 40 के ऊपर सन, और वहां से वो ग्रैंडफादर फादर उसको खींच लेंगे, एक ही कैंडल का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर 5 कैंडल का प्रॉफिट हो सकता है, और आपको खाली इसको प्रोसेस को फॉलो करना है, फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द प्रॉफिट, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग। आप यही चीज पहले आप सुन लो, सीख लो, समझ लो, फिर आप अपने आजू बाजू फ्रेंड्स को सिखा दो। मेरे चैनल्स पे भी बहुत सारे वीडियोस है इसके ऊपर और बहुत सारी स्ट्रैटेजीज है, ये एक स्ट्रैटेजी है, वैसे बहुत सारी है, ताकि आप हर एक तरह के मार्केट में ट्रेड कर सको। मार्केट अलग अलग तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, चौपी, साइडवेज। आप यही चीज, अब इसका एक और फायदा क्या है, ये समझो टाटा स्टील का चार्ट है, तो आज चार्ट तो कोई भी नाम से क्या फर्क था, हम तो ECG देख रहे हैं ना। जैसे एक डॉक्टर ECG देखेगा तो मेरा ECG है या BSRG का है या किसी और का है, वो तो हार्ट देख के पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन है, मतलब आप स्टॉक्स देखो, फ्यूचर्स देखो, ऑप्शंस देखो, करेंसी देखो, कमोडिटी देखो, या क्रिप्टो करेंसी पे देखो, सब पे लागू होगा। आप 5 मिनट के चार्ट पे देखो, 15 मिनट के चार्ट पे देखो, आवर्ली चार्ट पे देखो, डेली, वीकली, मंथली पे देखो, सब सेम है, सेम फंडा यूज कर सकते हो। तो ये ग्रैंडफादर फादर सन स्ट्रैटेजी बहुत ही पावरफुल है, इस पे मेरे चैनल पे भी वीडियो है तो आपको और भी समझ में आएगा। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं, सर के क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे फिर से एक चार्ट है जो 60 के ऊपर है, मंथली ग्रैंडफादर, वीकली फादर 60 के ऊपर, मतलब दोनों की स्पीड ऊपर की तरफ है और सन नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो बोल रहा है कि नीचे नहीं जा सकता है तू भाई, इधर से अटक जा, फिर से ऊपर लेके जाएगा उसको। अब मेरे को यहाँ पे नुकसान कितना होगा अगर ये इसको ब्रेक कर देगा 10 रुपए का, यहाँ से प्रॉफिट कितना हो सकता है, बहुत सारा। तो ये हो गया कैलकुलेटेड रिस्क, जो BSRG सिखाते हैं बिजनेस कोचिंग में, कैलकुलेटेड रिस्क, बिजनेस एक कैलकुलेटेड रिस्क है, राइट। तो हम लोग इसको बिजनेस की तरह कर रहे हैं, ऐसे आंख बंद करके नहीं। अभी ये जब मैं देखता हूं ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूं कि आपको कोई और चीज देखने की जरूरत नहीं, आपको TV देखने की जरूरत नहीं है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है कि क्या करना चाहिए मार्केट में। आपको खुद एनालिसिस करो, खुद ट्रेड करो, खुद प्रॉफिट करो, खुद लॉस करो, और खुद जिम्मेदारी लो अपने काम की। जब मैंने बहुत देखे लॉस होगा, अरे ब्रोकर खराब है, अरे वो चाइना ने वॉर कर दिया या यूक्रेन ने वॉर किया इसलिए मेरा लॉस हो गया। लॉस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है और लॉस ही आपके कंट्रोल में है। अब यहां से कितना ऊपर जाएगा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन नीचे जाएगा तो मुझे मालूम है कि मेरा कितना नुकसान होने वाला है, मैं विकेट को बचा के रखूंगा। ऐसे मौके रोज आते हैं,
तो इसको खोना नहीं है, ये सिंपल ग्रैंडफादर फादर स्ट्रेटजी को अप्लाई करो। और ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या आप सीखना चाहते हो, शायद हम और भी वीडियो लेके आएंगे, जैसे मुझे भी बहुत मजा आ रहा है, आप देख रहे हो बहुत मजा आ रहा है मुझे ये सिखाने में, और यही मेरी लाइफ है। 25 साल से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, 15 साल से सिखा रहा हूँ, और बहुत सारे चैनल्स, बहुत सारे वर्चुअल इवेंट्स के, ये हमारा जो स्टूडियो है यहाँ पे, जो अगला इवेंट हो रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आइए, बीएसआर जी आपको कैसा लगा ये? वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। दोस्तों देखिए कितना सिंपल हो सकता है अगर हमने प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज को सीखा। और थोड़ी देर पहले मलकान जी कह रहे थे कि प्रोसेस, दोस्तों समझिए, चाय बनानी है और अच्छी चाय बनानी है तो प्रोसेस लगेगा, शक्कर चीनी ये। ऐसे ही दोस्तों अगर हमें स्टॉक मार्केट या फिर हम किसी भी फील्ड में जाएं, हम स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं, हर जगह एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करना है और सीखना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, डू यू वॉन्ट टू बिकम द एक्सपर्ट और डू यू जस्ट वॉन्ट टू बिकम एन एवरेज। अगर आपको एवरेज रहना है तो आपको कभी भी किसी से भी कोई भी ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप कई वीडियोस देखते रहे, लेकिन मैं चाहूंगा आप और मैं एक्सपर्ट बने, क्योंकि एक्सपर्ट ही पैसा कमाता है हमेशा। Am I right, sir? Absolutely. कोई भी फील्ड में आपको कोच की जरूरत है। एक्सेलेंट। स्पोर्ट्स में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए, सब जगह पे। वैसे ट्रेडिंग भी एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, और उसके में कोच होगा तो बहुत ही अच्छा है। Absolutely. मेरे पास कोच नहीं था इसलिए मुझे 12 साल लग गए लेकिन आज हम ऐसे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं जो 18 साल से लेके 90 साल के लोग हैं, कोई भी बैकग्राउंड से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सिंपल चीज है, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे, जैसे आप डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर भी बनोगे तो मेहनत करनी पड़ती है, वैसे ट्रेडर, इन्वेस्टर बनने के लिए भी मेहनत करोगे तो आप सफल हो सकते हो। सो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा, 1, 2, 3 अप्रैल को मलकान सर एक बहुत ही बड़ा इवेंट कर रहे हैं जिसका नाम है द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। और आपको एक बहुत ही बेहतर चीज मैं बताऊंगा, उसमें आ रहे हैं गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग एंड आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग is coming together and सुबह आप सीखेंगे उसमें स्टॉक मार्केट के बारे में, yes, and शाम को आप आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस कोर्स करेंगे, yes, I think this is a unique, I would say सर सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन हो रहा है दुनिया में, पहली बार ऐसा हो रहा है, तो आइए हम सभी लोग इसका फायदा उठाते हैं। सर 1, 2, 3 तारीख को ये इवेंट वर्चुअल इवेंट है, वर्चुअल स्टूडियो से होगा, यहाँ से जहाँ से हम ये शूट कर रहे हैं, और पूरी जगह पे स्क्रीन्स लगे होंगे, हजारों लोग दुनिया भर से अटेंड करेंगे, और आपको कहीं जाना नहीं है, मतलब एक ही टिकट में पूरा फैमिली देख के सीख सकता है। Absolutely. और इतना आसान होगा, मतलब सुबह आप ट्रेडिंग सीख रहे हो, दोपहर को माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हो मेघना से, और शाम को श्री श्री रविशंकर जी की और उनकी जो टीम है वो पूरा हैप्पीनेस कोर्स यहाँ पे करेंगे, जो उनका बेसिक कोर्स है स्पिरिचुअलिटी पे, सुदर्शन क्रिया पे। Correct. तो पूरी तरह से आप शुद्ध हो जाओगे, माइंड, बॉडी, सोल और मनी। ऐसा इवेंट पहली बार हो रहा है। So how can we book the tickets of this? And दूसरी चीज़ sir, मेरे audience के लिए और इस channel के audience के लिए क्या best offer आप दे सकते हैं? Absolutely. आपके channel के audience के लिए नीचे जो link लगाई है आपके लिए special, वहाँ पे मैंने एक coupon code भी लगाया जिसको use करके आप पूरी तरह से 25% off ले सकते हो, कोई भी ticket खरीदे आप। और उसमें आपको उसके साथ ऐसा नहीं है कि आप सीधा बिल्कुल नए हो, अगर आप बेसिक से बेसिक टिकट भी लोगे ना तो आपको 2-3 कोर्स मिल जाएंगे बेसिक वाले, तो स्टॉक मार्केट क्या है, RSI क्या है, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, वो भी आप सीख लोगे, तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा। और 1, 2, 3 अप्रैल को आप आओगे तो आप ये पूरा वर्चुअल इवेंट एक्सपीरियंस कर पाओगे, ऐसा शायद लाइफ में पहली बार हो रहा है, और शायद बाद में हो ना हो, इसका ये मौका आप छोड़े नहीं। एब्सोल्युटली सर। लेकिन दोस्तों आप में से कई लोग हो सकता है ये 1, 2 या 3 अप्रैल के बाद देख रहे हो वीडियो, तो मलकान सर अगर लोग फ्यूचर में भी आपसे जुड़ना चाहें तो व्हाट इज द प्रोसेस? एब्सोल्युटली, उसके बाद हमारे काफी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो जो अगले इवेंट है उसके बाद वाले और जो भी कोर्सेज होते हैं उसके नीचे लिंक दी जाएगी, ताकि आप अगर 1, 2, 3 अप्रैल के बाद अगर वीडियो देख रहे हो तो उसका भी फायदा उठा सकते हैं। और उनके लिए भी मैं कूपन कोड लगा दूंगा, ताकि जब तक ये वीडियो यहाँ पे रहे आपके ऑडियंस इसका फायदा उठा सके। ऑसम। सो दोस्तों पहले तो आइए मिलके धन्यवाद देते हैं मलकान सर को इतनी प्यारी ट्रेनिंग देने के लिए। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो लकी होते हैं और जिनको अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, और आप और मैं उन लकी लोगों में से हैं। मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, मैं जब 12 साल 15 साल पहले पुणे आया था तब मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मलकान सर जैसे बहुत सारे बढ़िया बढ़िया कोचेज मिले, किसी ने पब्लिक स्पीकिंग सिखाई, किसी ने माइंड पावर सिखाया, और किसी ने मुझे सिखाया साइकोमेट्रिक असेसमेंट और ट्रेनिंग देना। आई थिंक जितना ज़्यादा सीखता गया उतना ज़्यादा ग्रोथ होता गया, और आज आप सभी के साथ जुड़ने का मौका मिला। सो आप भी सीखिए, सीखने में कंजूसी मत कीजिए, क्योंकि सीखना हमेशा इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट हमेशा रिटर्न देता है, और ऑल द ग्रेटेस्ट ऑफ द पीपल ऑन द प्लैनेट दे ऑलवेज लर्न। हर चीज सीखिए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सीखिए, बट इस समय
मनी के बारे में सीखना हमें सभी के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए शेयर मार्केट के बारे में जरूर सीखिए शेयर मार्केट के लेजेंड के थ्रू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई एम सो थैंकफुल मलखान सर फॉर कमिंग टू दिस अमेजिंग चैनल एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इससे जुड़ेंगे एंड ना सिर्फ जुड़ेंगे उनकी फाइनेंशियल एंड पर्सनल लाइफ भी ट्रांसफॉर्म होगी। थैंक यू सो मच एंड टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑडियंस गुड लक एंड गुड इन्वेस्टिंग। Great, dosto. So, do you want more videos with Malkan sir on this channel? If yes, then comment below. And what did you learn the best in this video? Wo bhi aap zarur comment kare, kyunki share market ke hazaron topics ho sakte hain. Aap un topics ke bare mein share karte jaye, and we will bring you the best of the best information. And dosto, channel ko subscribe kar lijiye, logon ke saath share kar dijiye, taki zyada se zyada logon ka bhala ho sake, fayda ho sake. Free mein knowledge bant rahi hai, kyun na sabhi ko benefit mile. Love you everybody, and have a great time. Bye bye.